नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला पे बेस है, एम डी एच और एम डी एच यानी मैन आदमी, डी से डे यानी दिन और एच से आवर यानी घंटा, एम डी एच और एम डी एच। ठीक है, इसका एक ही कंसेप्ट है कि आदमी में यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। यानी एम डी एच ये टोटल काम हुआ, ये क्या हुआ, एक W1 है और ये क्या है, W2 है। ये काम बराबर ये काम, यानी आदमी में यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो टोटल वर्क बन जाता है, चाहे वो दिन रहे चाहे वो घंटा रहे। आदमी में चाहे दिन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम बन जाएगा, यदि घंटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम बन जाएगा, यदि आदमी में दिन घंटा दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी काम बन जाएगा, यानी काम बराबर काम होता है। ठीक है, आइए इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तीन पुरुष या छह औरत किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो हम क्या करते हैं, पुरुष को मेन मान लेते हैं और औरत को ओमेन मान लेते हैं। ठीक है, पुरुष को मेन मान लेते हैं और औरत को ओमेन मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीन पुरुष या छह औरत, यानी तीन पुरुष यानी 3M और छह औरत की बात कर रहा है, छह औरत की बात कर रहा है। तो हम अभी आपको बताए थे कि आदमी में यदि समय से गुना कर देंगे तो वो काम बन जाएगा। ठीक है, कहता है तीन आदमी 18 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम छह औरत 18 दिन में करती है। ठीक है, यानी तीन आदमी 18 दिन में जितना काम करता है, यानी आदमी और समय क्या बन जाएगा, ये काम बन जाएगा, उतना ही काम छह औरत 18 दिन में करती है, यानी छह औरत 18 दिन में करती है। ठीक है, तो दोनों काम क्या हो जाएगा, बराबर है। कंसेप्ट समझना है, यानी तीन आदमी 18 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम छह औरत उतना ही काम कितना दिन में करती है, 18 दिन में करती है। तो दोनों काम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इससे हम क्या करते हैं, 3M इंटू 18 इक्वल टू 6W इंटू 18, यानी 18 18 क्या करते हैं, कट कर देते हैं, M बटे W बराबर 6/3, 3 × 6। ठीक है, यानी M बटे W कितना हो जाएगा, 2/1। कंसेप्ट यहाँ पे है कि तीन आदमी यानी आदमी के साथ यदि समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वो चाहे समय दिन में रहे चाहे घंटा में रहे, वो दिन बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो तीन आदमी 18 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम छह औरत 18 दिन में करती है, इसलिए काम को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब इससे क्या पता चला कि दो आदमी की इफिशियंसी यानी पुरुष की इफिशियंसी 2 है और औरत की इफिशियंसी कितना है, 1 है। ये भी आपका काम है, ये भी आपका काम है। अब आप काम निकालिए कि टोटल आखिर कार्य कितना हुआ, टोटल काम कितना हुआ। या तो आप एम का वैल्यू इसमें रख दीजिए तो काम निकल जाएगा, या तो डब्ल्यू का वैल्यू इसमें रख दीजिए तो काम निकल जाएगा, दोनों काम क्या निकलेगा, बराबर। अब 3 × m का वैल्यू कितना है, 2, चूंकि 2 की m की क्षमता 2 है,
और इनटू 18, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरा, टोटल काम निकल गया। तो टोटल काम निकल गया तो कितना हो गया आपका, या तो आप छोड़ सकते हैं इसको बिना मल्टीप्लाई किए ही यहाँ पे रख सकते हैं, बाद में काटने में अच्छा रहेगा, चाहे आप इससे सॉल्व करिए। तो W का मान अगर एक रखते हैं तो 6 × 1 × 18, तो 6 × 18 दोनों काम क्या होगा बराबर, या तो आप यहां से काम निकालिए या तो आप यहां से काम निकालिए, दोनों काम क्या होगा बराबर होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि चार आदमी और चार औरत उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी ये जो काम है इस काम को चार आदमी और चार औरत मिलकर कितने दिन में करेगा, यानी समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। हमको मालूम है यदि समय बराबर निकाले तो कार्य बटे क्या होता है, क्षमता होता है। कार्य तो हमको पता है 3, 2, और चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 × 18 ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी 108 हो गया टोटल काम। अब आपको क्या करना है, समय निकालना है चार आदमी और चार औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य तो हम समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है, कार्य तो हमको पता है 108 है, लेकिन इसकी क्षमता पता नहीं है। और M की क्षमता 2 है, W की क्षमता यानी ओमेन की क्षमता 1 है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 4 × M की क्षमता 2 है प्लस 4 × 1 यानी 8 × कितना हो जाएगा 4, 12 निकल जाएगा। यानी चार आदमी चार पुरुष और चार औरत की क्षमता कितना निकला, 12 निकला, ठीक है। तो कितने दिन में करेगा, यानी 9 दिन में इस काम को वो क्या करेगा, पूरा कर देगा। 9 दिन में इस काम को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लड़का एक काम को 6 दिन में करता है और 5 महिला उसी काम को 18 दिन में करता है, यानी दोनों काम क्या है बराबर है। और लड़का है इसको हम मान लेते हैं बी, और महिला है इसको हम मान लेते हैं डब्लू, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तीन लड़का एक काम को 6 दिन में करता है, तो हम बताए थे कि आदमी में अगर समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो काम निकल जाएगा। तो काम बराबर काम करना है कि लड़का जितना काम करता है महिला भी उतना ही काम करता है, लेकिन ज्यादा दिन लेती है, ऐसे भी महिला ज्यादा ही दिन लेगी, ठीक है, लड़का के कंपेरिजन में। तो कहता है क्या, तीन बॉय किसी काम को वो 6 दिन में पूरा करता है और 5 ओमेन उस काम को 18 दिन में पूरा करती है, तो चार बॉय और 10 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे। अब 3B × 6 5 ओमेन × 18, क्या इसको इस तरीका से काट सकते हैं, 6 × 3 = 18, फिर 3 × 3 काट सकते हैं, तो B = कितना बच जाएगा 5W, और B/W बराबर हो जाएगा 5/1, यानी बॉय की क्षमता लड़का की क्षमता 5 निकल गया और औरत की क्षमता कितना निकला, 1 निकला, ठीक है। अब हमको निकालना है टोटल काम कितना है, टोटल कार्य कितना है। तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि या तो आप यहाँ पे पुट करके या तो आप यहाँ से पुट करके कार्य निकाल सकते हैं, यानी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बी की क्षमता 5 है, बी की इफिशियंसी 5 है, डब्ल्यू की इफिशियंसी
वन है, या तो आप बी का मान रख के यहां से टोटल काम निकाल लीजिए, या तो आप डब्ल्यू का मान रख के, डब्ल्यू की इफिशियंसी रख के आप यहां पर निकाल सकते हैं, दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। तो चलिए हम यहां से निकालते हैं, 3 इंटू बी का वैल्यू कितना है 5 इंटू 6, यानी टोटल काम निकल गया मेरे पास 90 निकल गया। ठीक है, टोटल काम मेरे पास 90 निकल गया। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 4 लड़का और 10 औरत यानी महिला उस काम को यानी इस 90 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चूंकि समय बराबर फार्मूला हम जानते हैं, समय बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है, टोटल वर्क बटे क्षमता होता है, यानी टोटल वर्क तो हमको पता है 90, लेकिन इफिशियंसी हमको पता नहीं है। इफिशियंसी उसी का होगा जिसका हम समय निकालेंगे, इफिशियंसी हम उसी का यहाँ पे रखेंगे जिसका हम समय निकालने जा रहे हैं। तो आखिर समय किसका निकाल रहे हैं, 4 लड़का और 10 महिला का समय निकाल रहे हैं। तो क्षमता भी इसी का लेंगे, यानी जिसकी समय आप निकाल रहे हैं उसी का क्या करेंगे, क्षमता लेंगे। तो आइए इसकी क्षमता निकालते हैं, 4 बी की क्षमता कितना है 5, यानी 5 प्लस 10 इंटू डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितना निकला 1, तो 20 प्लस 10 यानी 30, यानी 4 बॉय और 10 ओमेन की इफिशियंसी यानी क्षमता कितना निकला 30 निकला। अब इसी 30 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 3 दिन आएगा, यानी 3 दिन में 4 बॉय और 10 महिलाएं इस काम को, कितना काम को, 90 काम को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पता है 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी अब जो है 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और उतना ही काम 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर 8 दिन में पूरा करता है, यानी दोनों काम आखिरकार क्या करता है, बराबर ही करता है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही समय लेता है और इसमें कम समय लेता है, लेकिन दोनों का काम क्या है, बराबर है। ठीक है, आइए समझते हैं। कहता है आदमी, यानी आदमी को हम मान लेते हैं एम यानी मेन, लड़का यानी लड़का को मान लेते हैं बॉय यानी बी से बॉय। तो क्वेश्चन में कह रहा है दो आदमी और 3 बॉय मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। तो हम बताए थे कि आदमी में यदि टाइम से गुना कर दे, चाहे वो दिन रहे चाहे घंटा रहे चाहे दोनों रहे, अगर टाइम से गुना कर दे तो बन जाता है टोटल वर्क। तो यहाँ पे आदमी क्या है, 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी आदमी यानी टोटल आदमी हो गया, और 10 से यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक काम, और उतना ही काम 3 मेन और 2 बॉय कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बॉय और एक दो मेन और 1 बॉय काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, समझेंगे। तो 2m प्लस 3b इंटू 10 इक्वल टू 3m प्लस 2b इंटू 8। आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, 4 दूना 8, 5 दूना 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10m प्लस 15b इक्वल टू 12m प्लस 8b। ठीक है, अब 15b में से 8b सब्ट्रैक्ट करेंगे और 12m में से 10m क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना बच जाएगा 7b, और ये बच जाएगा 2m, यानी b बटे
एम बराबर कितना हो जाएगा, 2/7। यहाँ से हमको मिल गया यानी डी माने थे लड़का को, लड़का की इफिशियंसी 2 मिल गया, और एम माने थे आदमी की इफिशियंसी 7 मिल गया। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कार्य यानी टोटल वर्क निकालेंगे। तो आप या तो आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, सिंप्लीफाई में आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है, यानी जो इसका मेन किए हैं कैलकुलेशन वहाँ पे आप रखेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आप बी और एम का मान रख के टाइम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे रखना होगा। अगर किसी बच्चे को ये लगता होगा कि नहीं हम यहाँ पे रख के टाइम निकालेंगे, वो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे ही रखना होगा, ठीक है। या तो आप यहाँ से निकालिए या तो आप यहाँ से निकालिए, आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 2m का मान कितना है, 7, तक 2 × 7 + 3 × 2 और इंटू कितना हो जाएगा, 10, ये जो हो जाएगा 14 + 6 × 10, तो कितना हो जाएगा 20 × 10 यानी 200, कितना निकल जाएगा। तो टोटल वर्क निकल गया 200, टोटल वर्क कितना निकला, 200 निकला। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आदमी और एक लड़का, यानी दो आदमी और एक लड़का उस काम को, यानी ये जो 200 वर्क है इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, कार्य बटे क्षमता होता है। कार्य तो हमको पता है 200, लेकिन क्षमता हमको पता नहीं है। अब जिसकी समय निकालेंगे उसी का क्षमता लेंगे। तो समय किसका निकालने जा रहे हैं, दो आदमी और एक लड़का का। तो इसी दो आदमी और एक लड़का का क्या लेंगे, क्षमता लेंगे। तो 2 × m की क्षमता 7 है प्लस b की क्षमता 2 है, यानी 14 + 2 कितना हो जाएगा, ये 16। यानी दो आदमी और एक लड़का की क्षमता कितना हो गया, 16 हो गया। क्योंकि इसी का समय निकाल रहे हैं तो इसलिए इसी का क्षमता हम लिए, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए हम निकालते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 × 16 और 25, 4 × 16 और 50 × 200, फिर इसको आप काटिए, यानी 50/4, 2 × 2 = 4, 25 × 2 = 15 यानी 25/2। इसको हम लिख सकते हैं 12 पूर्णांक 1/2 दिन, यानी 12.5 दिन में इस काम को क्या करेगा, वो दो आदमी और एक लड़का मिलकर 12.5 दिन में काम को पूरा करेगा।